हेलो फ्रेंड, मैं अमित। आप देख रहे हो जो न्यूज़। आज भी मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखते रहिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में। और जो लोग मेरे चैनल पे नया आए हो यार, जो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसमें कुछ भी हो उसको क्लिक कर दीजिए, रेड नहीं रहना चाहिए। और पास में आंटी ने एक घंटी है, मुझे भी आप लोग बजा सकते हैं, तो आप लोगों को जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टेक न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने उसका एक नया टीवी जिसका नाम है शाओमी टीवी 4S 55 इंच का है, वो 3 अप्रैल को लॉन्च करने वाला है। और इसका प्राइस जो होने वाला है वो है $477। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आर नहीं बताया गया है। सेकेंड जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने उसका नया iOS 11.3 लॉन्च कर दिया। और जो जो फ़ोन है इसके अंदर 11.3 न्यू अपडेट वाला iOS मिलेगा, वो है iPhone 6, 6X, 7 और इसी मॉडल के लिए। इसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किया गया है। फर्स्ट, बहुत सारा बग फिक्स्ड किया गया है। इसके अंदर 4 न्यू एमोजी ऐड किया गया है। और जो सफारी ब्राउज़र है वो बहुत अच्छे से इसमें चलेगा। और भी और यूजर इसमें जो उसका बैटरी का कंडीशन है वो भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और बैटरी का हालत कुछ अच्छा नहीं होगा तो वो उसमें इंडिकेशन दे देगा जो आपका बैटरी का अभी सर्विस का रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक न्यूज आ रहा है वो आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने उसका एक नया फीचर्स लॉन्च कर दिया जिसको यूज़ करके आप लोग आपका जो व्हाट्सएप है उसको और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन आपका दोस्त और आपका फैमिली का मेंबर ले जाके आपका व्हाट्सएप खोल के देख सकता है, आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किससे वीडियो कॉल करते हैं, सब कुछ। लेकिन ये जो नया फीचर्स है वो जो आप लोग ऊपर में देखिए, आपका जो व्हाट्सएप है जहाँ पे आप लोग फ्रेंड का सर्च करते हैं उसके पास में एक मैसेज वाला ऑप्शन आया है, उसमें आप लोग क्लिक करके एक नया पिन मींस जो पासवर्ड है आप लोग उसमें सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के बाद आपका दोस्त व कोई भी आपका जो व्हाट्सएप है उसको ओपन करेगा, लेकिन उसको पासवर्ड पता नहीं होगा तो आपको आपका जो व्हाट्सएप है उसको कुछ भी नहीं देख पाएगा। मेक जो आ रहा है वो आ रहा है फेसबुक की तरफ से। आप लोग तो जानते ही है फेसबुक डाटा लीक के लिए अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, लेकिन फेसबुक बता दिया जो जिसके लिए कारण हुआ है वो है थर्ड पार्टी ऐप्स जो फेसबुक के अंदर है, तो उसी को अब फेसबुक उसका वेबसाइट से हटाने वाला है सबको। नेक्स्ट जो आ रहा है टेक न्यूज़ आ रहा है एलजी की तरफ से। एलजी उसका यूजर से ओपिनियन जानना चाहता है जो एलजी का नेक्स्ट फ़ोन होगा वो नॉर्ज वाला होगा और नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी वीवो V9, ओप्पो F7 बहुत सारे फ़ोन जो नॉर्ज डिस्प्ले के साथ आया है, तो एलजी नहीं जाता जो सेम डिज़ाइन अभी मार्केट में चल रहा है वो उसको लेके आए, तो इसलिए ओपिनियन वो आपका यूजर से मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्नो जो आ रहा है मिजू की तरफ से। मिजू ने एक नया पेटेंट न्यू फिंगरप्रिंट के लिए रजिस्टर कर दिया। इसके लिए वो लोग अप्लाई किया था नवंबर 2017 को, लेकिन मार्च 23 को इसको अप्रूव कर दिया गया। और ये जो पेटेंट है अल्ट्रासोनिक सेंसर को लेके, जिसको यूज़ करके आपका जो पूरा डिस्प्ले है उसके अंदर किसी भी जगह आपका फिंगरप्रिंट रखने से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो था अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, उसके अंदर क्या एक फिक्स्ड जगह था जिसके अंदर आप लोगों को आपका फिंगर लगाने से फ़ोन अनलॉक होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ़ोन का किसी स्क्रीन पे किसी भी जगह पे आप लोग आपका फिंगरप्रिंट को रख सकते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। तो इसी टाइप के वीडियो हम हर रोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो आप लोग जाइए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और लाइक और शेयर करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।